टीवी सीरियल इस प्यार को क्या नाम दूं और इश्कबाज में नजर आने वाली श्रेणु पारिक अब आपको नजर आएगी। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला न्यू सीरियल एक ब्रह्म स्वर्ग गुण संपन्न में जिसमें ये जानवी का किरदार निभा रही हैं और इनके साथ ही आपको नजर आएंगे जैन ईमान। आपको बता दें कि जैन ईमान और श्रेणु पारिक दोनों पहले भी स्टार प्लस पर आने वाला शो इश्कबाज में एक साथ काम कर चुके हैं और अब एक बार फिर ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं। इस सीरियल का प्रोमो आने पर लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स किया है। अभी ये दोनों अपने इस शो की शूटिंग के लिए उदयपुर गए हैं जहां पर इन्होंने शो के बारे में बातचीत हुई है। आइए आपको सुनाते हैं कि शो के बारे में इन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले उदयपुर कैसा लगा? उदयपुर बहुत सो प्लेजेंट, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बहुत धूप होगी बट यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुहाना सा मौसम है, इतना के मतलब काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। और जैसे जैसे ही जानवी मित्तल है वैसे ही हवाएं चल रही थी यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ है यहाँ पे जानवी मित्तल का। क्लाइमेट चेंज हुआ है, कुछ इफेक्ट कुछ हुआ है क्योंकि उधर 32 यहाँ डायरेक्ट 26-24 के लमसम में आ चुका है क्लाइमेट, सुहाना हो गया है ना। सीरियल के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह का क्या कहना चाहिए कास्ट? मैं बस ये कहना चाहूँगी दैट ये जो हमारा शो है एक ब्रह्म सर्वगुण संपन्न, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट और बहुत ही यूनिक है और ये कैरेक्टर भी बहुत ही अच्छा है। बहुत चैलेंजिंग रहा है जानवी मित्तल को निभाना, तो इट्स वो हमें प्रोमो भी दिख रहा है। या मैं बस यही कहना चाहूँगी कि श्रेणु से बहुत ही हटके कैरेक्टर में निभाने की जा रही हूँ। बहुत सारे लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में, बहुत ही क्या कहते हैं चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए ये। एंड जानवी ये सब कुछ जो भी कर रही है फॉर अ पर्पस कर रही है, तो जो आपको प्रोमो में दिखा है एक झलक आपको वो सारा एक्सप्लेन होते हुए दिखेगा जैसे ये स्टोरी होगी। काफ़ी अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है ये जो नॉर्मली जो आता है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? और जो भी आप प्रोजेक्ट चूज करती है हटके रहता है, इसके बारे में क्या खास बात लगी इसमें भी? वही मैं चाह रही थी कि इस बार मैं कुछ अलग करूं और वही जानवी बाय गॉड्स ग्रेस मुझे मिल गया, सो दैट्स व्हाट। क्या खास बात क्या लगी? यही इसका कॉन्सेप्ट और जानवी द कैरेक्टर इटसेल्फ इज वेरी इट्स वेरी डिफरेंट। जैन के साथ कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ? जैन के साथ मैंने इश्कबाज में भी काम किया एंड इट वाज अमेजिंग। यहाँ का आप तक का कुछ बहुत मजे करते हैं हम ऑफ स्क्रीन और बस सेट पे भी, इट्स जस्ट फैंटास्टिक हैविंग गुड को एक्टर्स अराउंड मी। फाइनली फैंस के लिए क्या बोलना चाहिए? फैंस को बस यही कहूँगी कि आपने मुझे हमेशा रिस्पेक्ट इज्जत प्यार और आशीर्वाद दिया है, जानवी को भी उतना ही प्यार दीजिए। थैंक यू। हाय, थैंक यू सो मच। यस, बैक इन टीवी, थैंक्स अ लॉट। वेल, ये जो शो है सर्वगुण संपन्न हम शो कर रहे हैं, ये पहले एक अलग ही कंटेंट ड्रिवन बेस्ड शो है, बहुत ही थ्रिलिंग शो है। सास बहू तो मिलेगा ही आपको, एट द सेम टाइम बहुत सारा ड्रामा मिलेगा, बहुत सारा थ्रिल मिलेगा शो में, जो आई थिंक एक हुक पॉइंट होगा शो का। इस शो में मैं हूँ, आयूब खान साहब हैं, श्रेणु है, तन्वी है, लॉट ऑफ गुड ब्रिलियंट एक्टर्स। तो आई थिंक जब एक टीम एकजुट होती है एक शो को बनाने में तो फिर स्टोरी को वो और एनहेंस कर देती है, तो विच इज़ एक्चुअली मोर इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रोमो बनाया है स्टार प्लस ने और फिलहाल मुझे ज़्यादा रिवील नहीं कर रहे हैं, श्रेणु का भी रिवील कर रहे हैं, तो एक सर्वगुण संपन्न बहू दिखा रहे हैं जिसका एक हिडन मोटिव भी है, जो मोटिव मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, जो आप शो देखेंगे आपको पता लगेगा क्या मोटिव है। तो एक सर्वगुण संपन्न बहू है और एक ब्रह्म जो है उसका टैगलाइन जो है, वो भी एक दो चीज़ें ट्विस्टेड स्टोरी हैं, नेगेटिव भी है पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। तो वो बहू क्यों अपने फैमिली के अगेंस्ट है वो एक बैक स्टोरी है, वो जब धीरे धीरे शो आगे बढ़ेगा आपको पता लगेगा क्या स्टोरी है। वेल, मैं प्ले कर रहा हूँ कबीर मित्तल, तो मेरा जो कैरेक्टर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मैं आर्मी मैन हूँ एक, और उसी वजह से मुझे थोड़ा बल्कअप करने के लिए भी कहा गया था, एंड बहुत ही पॉजिटिव है बट अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट उसके जो डैड हैं डैड थोड़े गुस्सा हैं,
मुझसे जो पीके हैं, जो आयुब सर प्ले कर रहे हैं, तो वो मुझसे गुस्सा है इन द सेंस कि वो चाहते थे कि मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूं, बट मैं आर्मी ज्वाइन कर लेता हूं। तो क्योंकि मैं उनके अगेंस्ट था, तो डैड को कभी मुझे उनको हमेशा मेरे अगेंस्ट रहे कि यार इसने ऐसा कर दिया, मैं ये चाहता था। तो हमेशा उनका एक मेरे और उनके बीच में एक टसल रहा है, वो शो में बहुत दिखेगा। सो वो इंटेंस सीन्स जो होंगे वो मेरे और डैड के बीच में आएंगे आपको, तो एक डिस्कम्फर्ट लेवल वो दिखेगा। बट एट द सेम टाइम रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द फैमिली जो कबीर मित्तल शो कर रहे हैं वो भी ज़रूर दिखेगा। वेल, ये जो कैरेक्टर है ये भी बहुत पॉजिटिव है, और मैं भी ज़ैन इमाम इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। जिस तरीके से मैं रिलेट कर पा रहा हूँ वो ये है कि कबीर और ज़ैन दोनों चीज़ें बड़ी दोनों इंसान बड़ी डिटर्मिंड हैं, जिस चीज़ के लिए ठान लेते हैं उसको करके ही छोड़ते हैं। वेल, मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ प्रोड्यूसर्स के लिए। आई थिंक मुझे किसी क्रिएटिव ने बोला था कि यार प्रोड्यूसर्स को लगता है कि आप लकी हो शो के लिए, तो आई थिंक इसीलिए मुझे रोप इन करता हूँ। बट ऐसा नहीं है, मैं अच्छा एक्टर भी हूँ, एक्टिंग भी कर ही लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो आई थिंक दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, आई थिंक मेरे लिए मेरा जो कैरेक्टर है वो मैं देखता हूँ कि यार कितना इम्पॉर्टेंट है, और जो कंटेंट है वो कितना क्लियर है, और विजुअली कितना अच्छा लगेगा लोगों के लिए, वो मैं देखता हूँ शो साइन करने से पहले। उदयपुर को एंजॉय करने का ज़्यादा वक्त मिला नहीं, क्योंकि हम लोग कल आए रात को यहाँ पे थे। बट जो हेल स्टॉर्म्स देखे, जो हमने देखा कि आई डोंट नो, ये हमारे आने के बाद हुआ है कि इतने सारी हेल स्टॉर्म्स आए हैं और वो सारी चीज़ें हुई हैं। तो वैसे उदयपुर बहुत गर्म रहता है, बट अभी आज ठंडा है, कल ठंडा था, सो विच इज़ वेरी वेरी गुड। आई थिंक ये टेम्पल, ये सास बहू टेम्पल, ये हज़ार साल पुराना टेम्पल है, और इसका एक जिस तरीके से बना है, जो नक्काशीज हैं यहाँ पे, नक्काशी है इस तरीके से, वो बहुत अमेजिंग है। सब मुझे बड़ा ब्रिलियंट लगा, हालांकि मैं हिस्ट्री का फ़ैन नहीं हूँ, बट ये देखने का मुझे कुछ लग रहा है, कुछ कुछ हो रहा है। हाँ। वेल, ये आई थिंक एक स्टोरीज़ हैं, पता नहीं कितनी सच्चाई है इसमें, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई मूर्ति नज़र नहीं आ रही, तो कुछ तो हुआ होगा, बट क्या एग्जैक्टली बैक स्टोरी है वो मुझे पता नहीं क्या है। नहीं यार, मोर इन टू प्लेइंग, मतलब मैं खेलता ज़्यादा हूँ, देखता कब हूँ। धोनी, धोनी, या थैंक यू। नेक्स्ट 9 लाइफ से आंचल की रिपोर्ट।